बेगूसराय में अचानक महिला के पैर में तब गोली चल गई जब बछवारा में तीन लोग सड़क किनारे आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक बहसा-बहसी शुरू हो गई। क्यों बहसा-बहसी शुरू हो गई? क्योंकि एक पिस्टल तीनों लोग के पास था और एक पिस्टल किसको देना था नहीं देना था, इसी बात की बहसा-बहसी हो रही थी कि तभी गलती से गोली चलती है और महिला के पैर में गोली लग जाती है, जो महिला बगल से गुजर रही थी। और ये तीनों वहाँ से जब फरार होने के लिए भाग रहे थे, तभी दो लोगों को लोगों ने दबोच लिया। उसके बाद अब यहाँ तीन लोग की गिरफ्तारी हुई है। और क्या था मैटर, चलिए सीधे सुनते हैं एसपी योगेंद्र कुमार से। इसे जानने से पहले आप देख रहे हैं एफओबी न्यूज़, रिपोर्टर दीपक कुमार की पूरी रिपोर्ट। आए हमारे राधा रानी शॉप पर, जहां पर लेडीज एवं किड्स वेयर के सभी कपड़े मौजूद हैं। बच्चों के लिए पार्टी वेयर्स, फ्रॉक्स, वेस्टर्न ड्रेस, बेबी सूट, इंडो वेस्टर्न वेयर्स एवं महिलाओं के लिए सलवार सूट, साड़ी, क्रॉप टॉप, सरारा, ग्राउन, कुर्ती एवं कई रेंज के कपड़े हमारे राधा रानी शॉप पर मौजूद हैं। हमारा पता है अवध मार्केट, अग्रसेन मार्ग, मेन रोड, बेगूसराय। पछवाड़ा थाना के रजौली में कल एक घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला है, उसके पैर में गोली लगने की बात सामने आई थी। तुरंत इस पर बछवाड़ा थाने ने कार्रवाई की और उसमें तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और जिस देसी कट्टा से महिला को गोली लगी थी पैर में, वो भी कट्टा और खोखा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें ये पता चला है कि तीन व्यक्ति, पवन महतो, अमरेश कुमार और जयराम महतो, ये तीनों बछवाड़ा के रहने वाले हैं। और ये लोग रोड पर किसी बात को लेकर के आपस में लड़ाई कर रहे थे, आपस में उलझे हुए थे। और जो ये कट्टा है, ये भी इन तीन में से एक व्यक्ति के पास था। वो कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा उसको लेके आपस में इन लोगों के बीच में गुत्थम गुत्थी चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली उसी समय ये महिला वहाँ से रोड से गुजर रही थी और गोली उसमें फायर हो गई और दुर्भाग्यवश महिला के पैर में लगी। और उसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने खदेड़ के इसमें से दो अपराधियों को पकड़ भी लिया था, डिटेन किया था। ये सूचना जैसी पुलिस को मिली तो बछवाड़ा थाना अध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुँचे, उन दोनों को गिरफ्तार किया और तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। और जिस हथियार से फायरिंग की बात आई है, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। महिला का इलाज करवाया जा रहा है, वो ठीक है अब। और इन तीनों के बारे में पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इन्होंने पहले भी कोई अपराध किया है, लेकिन फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और हथियार मिल गया है। आर्म्स एक्ट का मामला है, इसमें जल्द हम लोग चार्जशीट करके इनको सजा दिलवाएंगे। महिला की बहू कह रही है कि जमीनी विवाद का मामला था जिसके कारण बोली। देखिए, बताया गया है, अब ये जाँच का विषय है, तो हम लोग इसको जाँच कर रहे हैं कि पहले से जान पहचान थी या ये एक दूसरे टाइप का मामला। ये जांच का विषय है, इस पर जांच किया जाता है।